तो कल बच्चों से छुपा कर एकदम खुफिया तरीके से ऐसे लेके आए थे भाई हम सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग, आज मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज लिटरली बहुत महीनों के बाद मैं इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठा हूँ। सुबह सुबह मैं यूजुअली उठता ही नहीं, मतलब क्लास के टाइम पे उठता हूँ और सीधा क्लास के लिए निकल लेता हूँ, बिकॉज रात को अपलोड और वो सब एडिट में थोड़ा टाइम लग गया था ना, इसलिए कल रात को मस्त अपलोड एडिट सब हो गया जल्दी। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था कल, मतलब ज़्यादा कुछ भाग दौड़ हुई नहीं थी, लेकिन मार्केट में घूम घूम के इतना पागल हुए थे भाई, सच्ची में बहुत ज़्यादा क्राउड थी। और हाँ, अभी के टाइम पे जलगांव में काफ़ी ज़्यादा ठंड है भाई, कसम से मेरे को नहीं लगा था कि इतनी होने वाली है, लेकिन अभी अभी से अभी मतलब ठंडी स्टार्ट नहीं हुई है ठीक से, फिर भी इतनी ठंडी है। तो सोचो भाई, जब ठंड अच्छी मतलब अच्छे से चालू हो जाएगी मिडिल में, तो भाई हालत ख़राब कर देगी। वैसे एक और बात है, आज आर्यन भाई का फर्स्ट मीटअप है, उनके कुछ 3 पॉइंट अभी 10K हो गए, तो उन्होंने एक मस्त वाला मीटअप रखा है, तो मेरे ख्याल से अगर हो सके तो मैं भी जाऊंगा। आज देखूंगा मैं, बिकॉज देखो शाम का टाइम है 5 बजे का, अब अगर घर में पूजा होगी तो नहीं जा पाऊंगा ना, तो देख लूँगा वैसे। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई मेरी तरफ से, तो फिर से हो सके तो जाएंगे मस्त मीटअप देखने, मज़ा आएगा। तो भाई लोग, फाइनली अभी फिलहाल मैंने मस्त नहा लिया, बाल और सूखा भी लिया, सब कुछ हो गया भाई, सेट वेट भी कर लिए थोड़े से। और मैं अब लिटरली व्लॉग करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी मुझे नीचे, मैं इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, मैं परेशान हो गया अभी, मतलब 2 ही दिन हुए अभी उनको और मैं लिटरली सबसे परेशान हो गया हूँ। सोचो और 2-3 दिन निकालने भाई, हालत ख़राब होने वाली, ऊपर से मैं बस 3 घंटे की नींद लेके घूम रहा हूँ, बिकॉज लास्ट नाइट क्या हुआ था, 12 बजे तक तो मुझे अपलोड ही करना, मतलब अपलोड करने में चला गया, और चाचा जी का जो लड़का था छोटा मेहमान जो आए बच्चे, तो उनमें से एक था, उसको नींद नहीं आ रही थी भाई, तो उसको लेके मैं घूम रहा था बिकॉज पापा जी उनका तो मतलब मैं उनको ज़्यादा देर जगह नहीं रख सकता बिकॉज वो काम करके थके हुए थे ना, तो उनको मैं ज़्यादा देर तक वैसे उनके पास बैठा नहीं सकता था, तो फिर मैं ही उनको लेके घूम रहा था रात को लिटरली। हाँ एक है भाई जूली, और वो सब मेरे साथ ही घूम रहे थे रोड पे, हम सब मतलब काफ़ी दूर दूर तक गए थे, मेरे को भी याद नहीं कहाँ कहाँ पे गया था मैं। रात में वहाँ से आने के बाद मैं कम से कम 3 बजे सोया था और 6 बजे उठ गए थे, यार बच्चे इतने जल्दी कैसे उठते को समझ में नहीं आता, मेरी तो नींद नहीं खुलती, बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते, तो वो उठ गए, उनके बाद मुझे भी उठना ही पड़ा, तब से मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। तो देखता हूँ दिन भर में आज क्या क्या होता है मेरे साथ, वैसे तो काफ़ी सारी बातें हो रखी है ऑलरेडी, देखते हैं। लेकिन तो भाई लोग, अभी फिलहाल हो रही है भाई दोपहर के 3 बज रखे हैं, और मैं आज सुबह से ऐसे ही घूम रहा था घर पर ही, आज मैं कहीं पर नहीं जा रहा, बस अभी दिवाली के 4 दिन तो कहीं नहीं जाने वाला मैं, तो मैं ये सोच रहा था कि आप सभी को जो कल पटाखे लेके आए हैं वो सब दिखा दूँ, तो वो सब मैंने ना छुपा के मस्त ऐसे वहाँ पे ऊपर रख दिए, तो चलो अभी वो निकाल के दिखाता हूँ आपको कौन कौन से लेके आया हूँ मैं। तो कल बच्चों से छुपा कर एकदम खुफिया तरीके से ऐसे लेके आए थे भाई हम घर में पटाखों को, और मतलब पता ही नहीं था बच्चों को कि हम पटाखे लेके आ रहे हैं, अगर उनको पता चलता तो कल रात को ही भाई पूरा हल्ला कर देते। तो देखो हमने कुछ अलग अलग टाइप के लेके आए, ये तो आई थिंक सो आप सभी को पता ही होगा कॉर्सर, जो कि आई थिंक बीडी बॉम के नाम से जाना जाता है, छोटा सा होता है लेकिन बहुत शोर करता है भाई। ओ भाई ये देखो, ये लड़ कुछ लेके आया हूँ मैं एक्स्ट्रा, और ये वो छोटे बच्चों के लिए, अरे यार इसकी ये दो एक आध गिर भी गई है, ये देखो ये गोलियाँ नाग गोली, ये भी पता ही होंगी सबको, मतलब सारे पटाखे तो सबको पता ही होते हैं वैसे तो यूजुअली बच्चों को सबको। और ये ट्री, ये भी ट्री, ये एक और स्नेक, एक एक्स्ट्रा दो स्कॉर्सर लेके आया था मैं, और ये क्या है, अच्छा ये वो तड़तड़ी टाइप है, हाँ तड़तड़ी है। इसमें देखो 2 लौंगी के पैकेट्स हैं, 2 बॉम है मटका बॉम, उसके नीचे ये जो है वो स्पार्कल्स, इलेक्ट्रिक स्पार्कल्स है ना उनका है, ये चक्री है, ये अंदर नीचे ये 2 है वाइट वाले बॉक्सेस, ये मेरे बॉम के, ये बिग चक्कर, ये उससे भी बिग चक्कर, तो बस इतने ही फटाके लाए हम भाई, इस बार ज़्यादा नहीं लेके आए बिकॉज़ बच्चे फिर आधे फोड़ते आधे रख देते, तो
तो अभी फ़िलहाल एक कोर्सियर में ले जा रहा हूँ साथ में यूज़ करने के लिए, मज़ा आएगा भाई, प्रैंक करेंगे बहुत सारे। लेकिन एक दिक्कत यार मेरे पास है ना, मतलब एक्चुअल में तो वैसे भी है ही नहीं, लेकिन अगर कुछ दोस्त होते तो वो तो शूट कर ही देते हैं मुझे। लेकिन अभी मेरे पास रिसेंटली एक भी कैमरा मैन नहीं है, सब के सब गार्डन गए हुए हैं भाई छोटे बच्चों को लेके, बिकॉज़ घर में काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था तो सब वहीं पर खेल रहे हैं, तो मैं भी वहीं पर जाता हूँ। यार मेरे पास कोई कैमरा मैन नहीं है सच्ची में, तो मैं काफ़ी ऐसे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए थे, लेकिन ना कैमरा मैन नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर पाता। सोच रहा हूँ भाई, मतलब ऐसे दो चार दोस्तों को लेके ही घुमा करूँगा अभी साथ में, तो चलो इनको फिर से पैक करके रख देते हैं, अभी सीधा शाम को खोलेंगे। तो भाई लोग फाइनली ये देखो कुर्सी मस्त ले लिया है मैंने, चलो अभी इसको जेब में डालते हैं तो चलते हैं, मस्त ईजिली आ जाता है पॉकेट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रॉकी भाई और उन सबके पास, बस मुझे घर पे बोर हो रहा था तो चलो उनसे मिल के आते हैं, थोड़ी देर बातें बातें करेंगे तो शायद अच्छा लगे, बिकॉज फुल डे इतना बोरिंग डे गया है ना आज मेरा, पता नहीं बहुत सच्ची में बहुत ज़्यादा बोरिंग डे रहा है मेरा आज का। तो भाई लोग मेरा मस्त वाला पोपट हुआ है, मैं गया था जस्ट उनके घर पर, ये देखो पीछे उनका ही घर है, मतलब अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पर, तो गया था मैं, लेकिन वो सब मार्केट गए हुए हैं, मैंने कॉल भी नहीं करा भाई, मैं ऐसे सीधा आ गया। एक काम करता हूँ अभी शॉर्टकट से यहाँ से वापस जाता हूँ, यार क्या करूँ मैं बोर हो रहा हूँ कसम से बहुत ज़्यादा। यहाँ से है शॉर्टकट या फिर नहीं है पता नहीं, चेक करके आते हैं। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं बाहर गया था और गलती से मेरा फ़ोन घर पे ही रह गया था, तो मैंने ब्लॉक करा ही, मतलब सुबह से मैं बाहर हूँ, सुबह से मतलब दोपहर से जब मैंने आपको सबको दिखाया तब से मैं बाहर हूँ, और तब से सीधा अभी घर पे आ रहा हूँ, और मेरा फ़ोन भी घर पे ही था। नो, तो भाई मेरा मस्त खाना आ गया, मैं सबसे लेट खाने वाला हूँ आज कसम से, सब खा पी के मतलब बर्तन धो रही है मम्मी जी अभी, सोचो यार इतना लेट आया हूँ मैं, जाने दो पहले खाना खा लेता हूँ फिर थोड़े से पटाखे फोड़ने भाई। तो भाई लोग खाना खाने के बाद अभी खुद की प्लेट खुद को ही धोनी पड़ेगी, बिकॉज सब खा पी के मस्त बाहर घूम रहे, मैंने कहा मैं ही धो लेता हूँ भाई, वैसे भी थोड़ा सा अच्छा आता ही मुझे, काम खुद का तो कर ही लेता हूँ मैं, एटलीस्ट अकेला रह सकता हूँ मैं कहीं भी। तो भाई लोग अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भाई रॉकी भाई के पास, हाँ मैंने कहा था कि हम पटाखे फोड़ेंगे लेकिन नहीं फोड़ रहे, बिकॉज रात के ऑलरेडी 9:30 हो गया भाई, सब बच्चों का भी नींद आ रही, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट आया हूँ बाहर से, थोड़ा सा काम था ना, ऊपर से आज कोई पूजा नहीं थी इसलिए मैं मतलब गया था, वरना मैं जाता नहीं भाई यूजुअली पूजा वगैरह। कल मस्त लक्ष्मी पूजन है ना कल भाई, बहुत बढ़िया व्लॉग आने वाला है कल, तो बहुत मस्ती करूँगा, हो सकता है कि व्लॉग थोड़ा सा लो पावर हो लेकिन मज़ा तो मैं बहुत लूँगा भाई, बस फैमिली को बुलाए तो आई थिंक सो। अभी मस्त मैं रॉकी भाई की गली में पहुँच गया, और वो भी फटाके ही फोड़ रहे होंगे, और करेंगे भी क्या भाई इतनी रात को, तो उनके चलो गली में आवाज़ तो आ रही थिंक सो, रॉकी भाई आनी चाहिए, रॉकी भाई तो हाँ वो दिख नहीं रहे होंगे, ये लो फूटा भाई फूटा, रॉकी वही नीचे मतलब पटाखे तो फूटेंगे ही, ये लो फेंका, चलो फुसके गया भाई, ये लो व्हाट्स अप गाइस, क्या बोलते गाइस, ये रे जबर रॉकी भाई, ओ भाई उठी 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 रॉकी भाई, यप 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 मान। तो भाई लोग अभी फिलहाल मैं रॉकी भाई के पास मतलब गया था, पता नहीं भाई क्या हो जाता बार बार मुझे मतलब बस उल्टी करने टाइप मन हो जाता है, मतलब बीच बीच में ऐसे कभी कभी हो रहा है, वो पता नहीं क्या दिक्कत है, देखनी पड़ेगी। तो मैं रॉकी भाई के यहाँ से आ गया भाई, हमने काफ़ी देर पटाखे वटाखे फोड़े, फिर घर पे आ गया, और मैं इतना ज़्यादा थक गया यार, लिटरली दिन भर बाहर रहा था मैं, मार्केट में था, तो मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली नींद आ रही, लेकिन मैं सो नहीं सकता बिकॉज ब्लॉग अभी एडिट करना बाकी है, अपलोड करना बाकी है भाई, बहुत सारे टेंशन है, छोड़ लेकिन टेंशन से नहीं पड़ने भाई मेरे काम है। तो फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।